गुडविल आप लोगों ने सब लोगों ने नाम तो सुना होगा गुडविल। गुडविल इज नथिंग बट अ रेपुटेशन ऑफ अ कंपनी। मतलब कंपनी की रेपुटेशन क्या है, रेपुटेशन ऑफ अ बिजनेस, मतलब कंपनी का नाम की वैल्यू क्या है। सर कंपनी के नाम की वैल्यू भी होती है, अरे क्यों नहीं होती वैल्यू, कंपनी के नाम की वैल्यू भी होती है। कैसे होती है वैल्यू, मैं आपको सिंपल एग्जांपल देता हूँ। सपोज करो कि मैं एक कोई पेन बनाता हूँ, क्या बनाता हूँ, मेरा एक बिजनेस है कि मैं पेन बनाता हूँ। मेरा मन हुआ कि क्यों ना मैं पेन का बिजनेस स्टार्ट करूँ, तो मैंने एक पेन का बिजनेस स्टार्ट किया। राइट नाउ मैंने एक पेन बनाया, एक पेन बनाया पेन का, और वो मुझे बनाने में मेरी कॉस्टिंग आई 6 रुपये आई। मतलब मैंने एक पेन की फैक्ट्री लगाई और एक पेन बनाने में मुझे कितना खर्चा आ रहा है, 6 रुपये आ रहा है। मतलब पेन के अंदर इंक भी जाएगी, पेन में प्लास्टिक भी जाएगा, पेन में ये कैप भी जाएगी, तो सब कुछ में बनाने में मेरा खर्चा कितना आ रहा है, 6 रुपये आ रहा है। नाउ मैं अगर उसको मार्केट में बेचने जाऊंगा, सपोज करो ये मेरा पेन है, ये मेरा पेन है, उस पे लिखा हुआ है दीपक पेन, क्या लिखा हुआ है, मैंने अपना नाम ही दे दिया दीपक पेन। राइट अब इसके अंदर और कुछ नहीं लिखा हुआ, मैं एक नई कंपनी आया हूँ बिजनेस के अंदर, मैंने यहाँ पे लिख दिया दीपक पेन। अब मैं लोगों के पास गया कि आप मेरा क्या पेन खरीदोगे क्या, तो लोगों ने कहा हम खरीदेंगे, बट हम कितने पे खरीदेंगे। सपोज करो मैं मार्केट में गया, मैंने कहा क्या आप मेरा पेन 10 रुपये में खरीदोगे, लोगों ने मना कर लिया, हम 10 में नहीं खरीदने को तैयार है, बिकॉज इस कंपनी को हमने कभी सुना ही नहीं, ये दीपक पेन कौन सी कंपनी है, कौन सी कंपनी आ गई है। तो मैंने कहा ठीक है 8 रुपये में खरीद लो, तो 8 रुपये में लोग खरीदने को तैयार हैं, 8 रुपये में लोग खरीदने को तैयार है, क्योंकि मैंने 6 रुपये पेन बनाया है। और नॉर्मली जो लोकल पेन बाजार में मिलते हैं वो कितने की मिलते हैं, 8 रुपये के मिलते हैं, समझ में आया। तो यहाँ पे मैंने कुछ भी नाम नहीं लिखा, सिर्फ नाम क्या लिखा है, दीपक पेन लिखा है, और सिर्फ दीपक पेन से मेरा पेन जो मैंने 6 रुपये बनाया है वो सिर्फ 8 में बिक रहा है, सिर्फ मुझे 2 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है, बिकॉज लोकल पेन जो मार्केट में बिक रहे हैं वो भी 8 में ही बिकते हैं। अब यही एग्जाम्पल मैं दूसरी कंपनी में लेता हूँ, सपोज करो एक और कंपनी है कैमलिन, क्या नाम, नहीं कैमलिन, कैमलिन आप सब लोगों ने इसका नाम तो सुना हुआ ही है कैमलिन का। नाउ कैमलिन एक कंपनी है, वो भी पेन बनाती है, वो भी पेन बनाती है, और उसने भी एक पेन बनाया, उसने भी फैक्ट्री डाली, और उसकी जो कॉस्टिंग है वो भी 6 रुपये ही है। मतलब मैं जो पेन बना रहा हूँ, मैंने जो फैक्ट्री डाली, दीपक पेन बनाया, उसमें भी मैंने हाईएस्ट क्वालिटी इंक डाली है, हाईएस्ट क्वालिटी प्लास्टिक यूज़ किया है, सेम टू सेम कैमलिन जैसा पेन ही बनाया है मैंने, बस कैमलिन का नाम नहीं है, ये मेरी कंपनी का नाम है दीपक पेन। और एक कंपनी है कैमलिन जो क्या करती है, एक पेन बनाती है जिसका कॉस्टिंग कितनी है, 6 रुपये कॉस्टिंग है, मतलब मेरी भी 6 रुपये आ रही है, उसकी भी 6 रुपये आ रही है। बट कैमलिन जब बाजार में गया, उन्होंने उस बच्चों से पूछा क्या कैमलिन का पेन आप लोगे, बच्चों ने धड़ से बोल दिया हाँ हम ले लेंगे, क्यों ले लेंगे, कितने पे लोगे। कैमलिन ने बोला क्या अगर मैं ये पेन 10 रुपये में बेचूंगा तो क्या आप ये पेन लोगे, तो सारे बच्चों ने कहा हाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब कैमलिन का पेन लोग 10 रुपये में खरीदने को तैयार हैं, पर मैंने जो अपना कंपनी का पेन बनाया, अपना ब्रांड बनाया दीपक पेन, उसको 8 रुपये में लोग खरीदने को तैयार हैं। ऐसा क्यों, मेरी भी कॉस्टिंग 6 रुपये, उसकी भी कॉस्टिंग 6 रुपये, मैंने भी वही इंक यूज़ किया है जो कैमलिन यूज़ करता है, मतलब हम दोनों की जो क्वालिटी है एग्जैक्टली सेम है, मतलब क्वालिटी में कोई फर्क नहीं है। बट जब आप दुकान पे जाते हो तो आप कौन सा पेन लोगे, ऑनेस्टली बताओ, आप कैमलिन लोगे या आप दीपक पेन लोगे, आप कैमलिन लोगे, क्यों, क्योंकि उसकी ब्रांड की वैल्यू है, उसकी कंपनी की रेपुटेशन है कि वो अच्छा प्रोडक्ट ही बनाती है। मैं तो अभी अभी इस बिजनेस में आया हूँ, पेन के बिजनेस में आया हूँ, हो सकता है कि मुझे इस बिजनेस को जमाने में 10 साल लग जाए, 3 साल लग जाए, 5 साल लग जाए, पर कैमलिन तो 100 साल से बिजनेस के अंदर है, तो लोग जानते हैं ये कंपनी बहुत अच्छा पेन बनाती है, तो इसमें आप 10 रुपये देने को तैयार हो। तो इसका मतलब समझ रहे हो, मैं कोई चीज बना रहा हूं तो मैं 8 रुपये कमा रहा हूं, 8 रुपये मैं उसको बेच पा रहा हूं, और ये 10 रुपये बेच पा रहा है। इसका मतलब पता है क्या है, जो 2 रुपये एक्स्ट्रा कमा रहा है ना, जो 2 रुपये एक्स्ट्रा कमा रहा है, 2 रुपीज एक्स्ट्रा, वो पता है क्यों कमा रहा है कैमलिन, वो कमा रहा है गुडविल। मतलब अगर ये मैं पेन में कुछ भी नहीं लिखूं ना, आप इसको 8 में खरीदने को तैयार हो। द मोमेंट मैंने यहां पे लिख दिया कैमलिन,
तो आप इसको 10 रुपए में ले लोगे। क्यों? क्योंकि ब्रांड की वैल्यू है, अंदर से एकदम सेम है फिर भी आप लेने को तैयार हो जाओगे। क्यों? ब्रांड की वैल्यू। तो हर कंपनी, दुनिया में जितनी भी कंपनीज है जो वर्क कर रही है, वो सब ब्रांड के लिए ही वर्क कर रही है। आप एग्जाम्पल ले लो, कैडबरी का एग्जाम्पल ले लो, फोन का एग्जाम्पल ले लो, आप सिंपल एग्जाम्पल ले लो, ये जो सेल फोन आप जो यूज करते हो, अगर मैंने एक सिंपल सेल फोन मैंने बनाया तो मैं उसको 10,000 में बेच पाऊंगा, बट अगर उसके ऊपर मैंने एप्पल का लोगो लगा दिया तो वो 10 में नहीं बिकेगा, वो 25,000 में बिक जाएगा। क्यों? क्योंकि एप्पल का लोगो का मतलब है नाम। आप अगर एप्पल का लोगो फोन के ऊपर देख लेते हो तो आप समझ जाते हो, ओके, इसका मतलब है अंदर जो प्रोडक्ट होगा वो अच्छा ही होगा। क्यों? क्योंकि उसने इतनी साल मेहनत की है, तब जाके ये प्रोडक्ट उसने डिजाइन किया है, अपने लोगो के अंदर कोई छवि बनाई है। तो गुडविल क्या होता है कि लोगो के अंदर उसकी छवि क्या है, कंपनी की वैल्यू क्या है, कंपनी की रेपुटेशन क्या है। आपने सुना भी होगा जब वो कंपनी आई थी ना, मैगी जो बनाती है, अब जब उसके पर उस पर जब केस हुआ था, जब उसमें वो लेड पाया गया था, तब क्या हुआ था, उसकी जो वैल्यू है ना, ब्रांड की वैल्यू बहुत कम हो गई है। मतलब मैगी जो पहले 10 रुपये में लोग खरीदने को तैयार थे, फिर वो 8 रुपये में लोग खरीदने को तैयार नहीं है, 6 रुपये में खरीदने को तैयार नहीं है। क्यों? क्योंकि कंपनी की वैल्यू कम हो गई है। तो हर कंपनी जो इतना एडवर्टाइजमेंट करती है टीवी में, पेपर में, न्यूज़पेपर में, सब जगह, वो क्यों करती है? ब्रांड बनाने के लिए ही करती है। क्लियर है? तो इसको मैं कहूंगा गुडविल ऑफ द बिजनेस। तो हर बिजनेस की गुडविल होती है, ऐसा नहीं होता कि बिजनेस की गुडविल नहीं होती है, अलग अलग बिजनेस की अलग गुडविल होती है। भाई जो कैडबरी बनाती है उसकी अलग वैल्यू होगी, जो बिस्किट बनाती है सपोज करो ब्रिटानिया कंपनी है, उसकी अलग गुडविल होगी, जो पेन बनाता है उसकी अलग, जो कैमरा बनाता है उसकी अलग, मतलब हर बिजनेस की अलग गुडविल होती है। नाउ वी हैव टू लर्न कि हम गुडविल को मेजर कैसे करेंगे। सी, गुडविल को मेजर करने के देर आर डिफरेंट मेथड, मैं आपको सिखाऊंगा क्या क्या मेथड होते हैं, और एक एक मेथड हम उस पर क्वेश्चंस करेंगे। पहला मेथड लिखो, मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। ओके, पहला मेथड होता है एवरेज प्रॉफिट मेथड, दूसरा है वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड, थर्ड है सुपर प्रॉफिट मेथड, फोर्थ है कैपिटलाइजेशन ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट, फिफ्थ है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, और सिक्स्थ है आपका एन्युइटी मेथड। तो नॉर्मली जो बिजनेस में गुडविल की वैल्यू करने के लिए अलग अलग मेथड्स होते हैं, एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड, कैपिटलाइजेशन ऑफ द नॉर्मल प्रॉफिट एंड द सुपर प्रॉफिट एंड एन एन्युइटी मेथड। अब हम हर जो भी ये केसेस हैं उस पर हम अलग अलग क्वेश्चंस करेंगे और समझेंगे कि ये क्या है, ये क्या है। सर, ये अलग अलग मेथड क्यों है? बिकॉज जो हमारा जो अकाउंट्स है वो एक कोई वे नहीं है कोई गुडविल फाइल करने का। आज मुझे कैडबरी की गुडविल फाइन करनी है तो मैं कैसे फाइन करूंगा? जो आज अगर मुझे कोई कैमरे कंपनी की गुडविल फाइन करनी है तो उसका अलग तरीका होता है। हर बिजनेस में एक अलग तरीका होता है, और एक ही बिजनेस में अलग अलग तरीके से मैं गुडविल फॉलो कर सकता हूँ। जैसे अगर आपके घर में पहुँचने के एक रास्ता तो नहीं होता है, 5 रास्ते होते हैं, सेम वे कंपनी की गुडविल कैलकुलेट करने के लिए अलग अलग मेथड है। अलग अलग मेथड आपको अलग अलग आंसर देगा, फिर हमें जज करना पड़ेगा हमें कौन सा मेथड यूज करना है। पर वो सब काम किसका है? वैल्यूएशन एक्सपर्ट्स का है। अभी हमें क्या सीखना है कि गुडविल का मतलब क्या होता है, गुडविल को हम कैसे वैल्यू करते हैं, क्या क्या मेथड्स हैं, ये सारे मेथड है। नाउ वी विल लर्न अबाउट ईच एंड एवरी मेथड। फर्स्ट वी विल लर्न अबाउट द एवरेज प्रॉफिट मेथड, कि गुडविल को हम एवरेज प्रॉफिट मेथड से हम कैसे करेंगे। हियर, पहले लिखो ये, फिर मैं आता हूं एवरेज प्रॉफिट मेथड पे आता हूं। सो
तो फ्रेंड्स आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन यू कि गुडविल क्या होती है. गुडविल होती है बिजनेस की रेपुटेशन, बिजनेस का नाम की वैल्यू होती है. अब गुडविल भी दो टाइप की होती है. गुडविल एक होती है इंटरनली जनरेटेड और एक होती है परचेस्ड गुडविल. सर दो का मतलब परचेज गुडविल, इंटरजनरेटेड मतलब इंटरनली जनरेटेड का मतलब वो होता है जो गुडविल कंपनी ने खुद जनरेट की है, अपना नाम खुद बनाया है. सपोज करो कि जो कैडबरी कंपनी है, तो कैडबरी कंपनी ने जो भी खुद का नाम बनाया है ना, इतने साल उसने मेहनत की है, कैडबरी कंपनी ने इतने साल मेहनत की है, अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट दिए, तब जाके क्या हुआ, उनका एक ब्रांड नेम बना और उसको मैं कहता हूँ इंटरनली जनरेटेड. मतलब उन्होंने खुद बनाई है, अपनी मेहनत से बनाई है, किसी से खरीदी नहीं है. और वो कैसे बनती है गुडविल, आप अच्छी क्वालिटी का सामान दो, अपने कस्टमर को आप हैप्पी रखो, तभी जाके वो बनती है गुडविल. और रिमेंबर इट इज नेवर रिकॉर्डेड इन बैलेंस शीट. बैलेंस शीट में कभी भी इंटरनली जनरेटेड गुडविल नहीं आएगी, ये बात ध्यान रखना. लॉ परमिट नहीं करता है, मतलब जो आपका इंडियन लॉ है, पहले परमिट करता था, अब इंडियन लॉ परमिट नहीं करता है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड परमिट नहीं करता है कि आप अपने खुद की जो वैल्यू है वो अपनी बैलेंस शीट के अंदर दिखाओ. वो आप नहीं दिखा सकते. क्यों नहीं दिखा सकते, उसका रीज़न है क्योंकि लोग को मालूम नहीं कर, आपको लोगों को अपना सीक्रेट्स नहीं बताने कि मेरी गुडविल इतनी है, मेरी गुडविल 5 लाख की है, 5 करोड़ की है. दूसरा, इसमें फ्रॉड होने के चांसेस बहुत हाई होते हैं. भाई मैं अपने मन से बता दूं, अपनी कैलकुलेशन करके, कि मेरी गुडविल 500 करोड़ है, तो इसमें हो सकता है वो 300 करोड़ ही हो सकता है 200 करोड़ ही हो. तो इसमें ना कोई एक फास्ट प्रूफ नहीं है, इसलिए लॉ ने मना ही कर लिया. इंटरनली जनरेटेड गुडविल आप नहीं दिखाओगे. सर तो परचेज गुडविल क्या होती है? परचेज गुडविल होती है जो मैं खरीदता हूं, जो मैं नाम खरीदता हूं, वो परचेज गुडविल हो गई है. मतलब आज सपोज करो मैं सपोज करो ये पेन बना रहा हूं. मैंने क्या पेन बनाया? मैं पेन बना रहा हूं दीपक के नाम से. दीपक नाम की कोई गुडविल नहीं है, कोई भी पेन नहीं खरीदेगा दीपक का. नाउ मैंने कैमलिन कंपनी को बोला, क्या तुम मुझे अपना नाम बेचने को तैयार हो? क्या मैं ये पेन बना रहा हूँ, क्या तुम मुझे अपना नाम बेच सकते हो? तो मैंने उसको पेमेंट दिया कैमलिन वाले को. सपोज करो मैंने उसको 10 करोड़ का पेमेंट दिया. भाई कैमलिन कंपनी बहुत बड़ी कंपनी है. अगर मोमेंट मैंने यहाँ पे कैमलिन लिख दिया ना, तो आप लोग झट से ये पेन खरीद लोगे. तो मैं क्या करूँगा, कैमलिन कंपनी के पास जाऊँगा, देखो मेरी क्वालिटी बहुत ज़बरदस्त है, ये पेन देखो, इसमें क्वालिटी, प्लास्टिक, इंक बहुत शानदार है, पर कोई खरीद नहीं रहा. तो कैमलिन ने कहा, अगर तुम मेरा यहाँ पे नाम डाल दोगे तो झट से लोग खरीद लेंगे. तो मैंने कहा, बात तो सही है. तो मैंने कैमलिन को 10 करोड़ रुपए दिए और मैंने उससे गुडविल खरीद ली. तो उसको मैं बोलता हूँ परचेज गुडविल. और दिस गुडविल इज रिकॉर्डेड इन बैलेंस शीट. मतलब वो बैलेंस शीट में आप दिखा सकते हो. जरूरी नहीं है, उसको भी राइट ऑफ करना पड़ेगा. अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोलता है इसको भी आपको 5 या 10 साल के अंदर राइट ऑफ करना पड़ेगा, वो बात की बात है. पर अभी हम परचेज गुडविल की बात कर रहे हैं. परचेज गुडविल मैं बुक्स में दिखा सकता हूँ, इंटरनल जनरेटेड गुडविल मैं बुक्स में नहीं दिखा सकता. अगर कभी भी आपकी बैलेंस शीट अगर आपने देखोगे, अगर उसमें गुडविल लिखी हुई आ रही है ना एसेट साइड में, भाई गुडविल तो एसेट साइड में आएगी, तो वो परचेज गुडविल होगी. मतलब जो उन्होंने नाम खरीदा है, खुद की गुडविल नहीं होगी, जो उन्होंने नाम खरीदा है. और जो नाम उन्होंने खरीदा है, जिसका जितना उन्होंने पेमेंट दिया है, उसको मैं बोलता हूँ परचेज गुडविल. फिर सपोज करो कि मैंने पूरी की पूरी कैमलिन कंपनी को खरीद लिया. ये कैमलिन कंपनी है, उसको मैंने पूरा खरीद लिया. अब कैमलिन कंपनी के पास सपोज करो फर्नीचर है 1 लाख का, सिंपल एग्जाम्पल ले रहा हूँ, और उनके पास मशीन है 2 लाख की, और लैंड है सपोज करो 1 लाख का, राइट? टोटल कितने का वैल्यू उनके पास? 4 लाख का. सपोज करो ये सब माल ही है, कुछ नहीं उनके पास, फर्नीचर है, मशीनरी है, लैंड है. पर मैंने उनको पेमेंट पता है कितना दिया? मैंने उनको पेमेंट दिया 5 लाख रुपए. सर 5 लाख क्यों दिए?
आपने सामान उसका 4 लाख का लिया, पेमेंट 5 लाख क्यों किया? 1 लाख रुपए मैंने उसको गुडविल का पेमेंट दिया, उसका नाम का पेमेंट दिया है। मतलब मैंने उसका सामान तो खरीद लिया सारा का सारा, 1 लाख का फर्नीचर खरीद लिया, मशीन खरीद ली, लैंड खरीद लिया, टोटल 4 लाख का सामान मैंने खरीद लिया उसका, बट मैंने उसको पेमेंट 5 लाख किया। क्यों? क्योंकि मैं 1 लाख रुपये उसकी ब्रांड की वैल्यू लगा रहा हूँ। तो 1 लाख रुपये क्या हो गया? गुडविल। और गुडविल जो इंटरनल जनरेट, वो जो परचेज गुडविल होती है वो बुक्स में रिकॉर्ड होती है, वो बुक्स में रिकॉर्ड कर सकता हूँ, वो अलग बात है, उसको भी मुझे राइट ऑफ करना पड़ेगा इन नेक्स्ट 5 ईयर्स के अंदर एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। पर वो सब तो बात की बातें हैं, अभी तो हम ये समझ रहे हैं कि इन दोनों के अंदर फर्क क्या है। हेलो स्टूडेंट, अगर आप क्लास 11th एंड क्लास 12th के कॉमर्स के स्टूडेंट हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। माई सेल्फ दीपक लवानी एंड आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, और मैं आपके लिए लाया हूँ क्लास 11th एंड क्लास 12th के अकाउंट सब्जेक्ट के फुली रिकॉर्डेड क्लासेस, जिसमें मैंने पूरा सिलेबस कवर किया है कॉम्प्रिहेंसिव एंड इन द मोस्ट सिंपलेस्ट वे विद ओनली वन इंटेंशन, कि मैं आपको अकाउंट्स में एक्सपर्ट बना दूँ। तो जब आप ये कोर्स ऑर्डर करेंगे, आपको मिलेगा एक पेन ड्राइव या फिर एक SD कार्ड प्लस एक क्वेश्चन बैंक बुक। इस क्वेश्चन बैंक बुक में ओनली क्वेश्चंस हैं, और ये जो क्वेश्चंस हैं क्लास 11th के अराउंड 500, क्लास 12th के 800 क्वेश्चन, और उन सब क्वेश्चन को मैंने स्टेप बाय स्टेप सॉल्व किया है अपने वीडियो लेक्चर्स में, जो कि आप प्ले कर सकते हो अपने डेस्कटॉप पे, लैपटॉप पे या फिर स्मार्टफोन पे विदाउट एनी इंटरनेट, और उसको आप कभी भी देख सकते हो। मेरी क्लास का जो बिगेस्ट USP है वो है कि मैं हर कंसेप्ट को इन डेप्थ में एक्सप्लेन करता हूँ, उसके पीछे का लॉजिक समझाता हूँ, सो दैट आपके लिए अकाउंट सुपर इजी हो जाए और एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चन आए सिंपल से लेकर टफ, आप उसको आराम से सॉल्व कर लो। और अगर आपको क्वेश्चन करते हुए कोई भी डाउट आता है राउंड द ईयर, तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं एट माई नंबर 9549168168, और मैं आपको एश्योर देता हूँ आपके सारे डाउट एग्ज़ाम तक मैं सॉल्व करूँगा। अगर आपको मेरा डेमो लेक्चर देखना है तो मेरा चैनल YouTube पे है अकाउंट संडा, आप वहाँ जाके देख सकते हैं, और ये लेक्चर आप बाय कर सकते हैं फ्रॉम माय वेबसाइट www.accountfunda.com और फ्रॉम माय ऐप अकाउंट फंडा विच इज़ अवेलेबल ऑन द गूगल प्ले स्टोर। आपकी और भी कोई क्योरी है तो नीचे लर्न मोर का बटन है, उसको क्लिक करिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द लेक्चर। नेक्स्ट वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पे दिया हुआ है और आपको स्क्रीन पे भी आ चुका होगा। एंड ऑल्सो प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई यूट्यूब चैनल अकाउंट फंडा। ये सब्सक्रिप्शन बटन है, सो क्लिक करिए सो दैट यू रिमेन फुली अपडेटेड ऑफ ऑल अकाउंट वीडियो आई पोस्ट। एंड ऑल्सो प्लीज डोंट फॉरगेट टू कमेंट ऑन हाउ यू लाइक माई वीडियो। ओके फ्रेंड, सो लेट्स मीट ऑन द नेक्स्ट वीडियो।